अस्सलाम सऊदी अरबिया से लाइव हूँ जी आपके साथ। मैं आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। यार एक अपडेट क्या है कि वीडियो है ओमान से ली गई है, ओमान मुल्क से। अच्छा मैं आपके साथ यहाँ पर वो वीडियो भी चलाकर दिखा देता हूँ। दो बंगाली भाइयों को भाई चूना लगा गया कि बंदा। इसके मुतालिक मैं मुकम्मल डिटेल भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। हुआ क्या है, आईफोन इनको देकर इनके साथ बाद में किया क्या गया है। लेकिन आपको पता है जो सऊदी में मेरे भाई हैं, मैं खुद की बात आपको बताता हूँ। एक कि आपको पता है हम जो सऊदी अरेबिया में रहते हैं, खासकर मैं अब बंगालियों की या पाकिस्तानियों की बात इसलिए नहीं कर, वो बंदों की यानी कि बात नहीं कर रहा हूं जो बल्दिया में काम करते हैं, मैं खुद की बात कर रहा हूं। आज से 4-5 साल पुरानी बात है कि हम रियाद में हार्सुल वतनी के साथ लगे हुए थे, जहां मलक फहद यूनिवर्सिटी और मलक फहद बड़ा हॉस्पिटल है जी, उसके बाहर। तो जुम्मे वाले दिन ओवर टाइम चल रहा था, तो उसके बाद हम काम वगैरह जो था वो कर रहे थे। तो उस टाइम एक सऊदिया के रुका है, तो उसने हमको बुलाया है, हमको 50-50 रियाल इनाम, यानी कि इनाम बोल रहे हैं, जो भी उसने सलाम दुआ लिया है, हाल चाल पूछा है, खाने का पूछा है, उसके बाद हमको 50-50 रियाल दिए। तो हम बहुत खुश हुए भाई। सऊदी अरेबिया में रहने वाले भाइयों को पता है जी ऐसे हो जाता है। और जो मेरे भाई यहाँ पर खासकर बंगाली जो सफाई सुथराई करती हैं, आपको पता ही महत्तों के ऊपर, मेन शहराओं के ऊपर या गली मोहल्लों में, तो आपको पता ही उनको हर गुजरता बंदा, हर तो नहीं, हर दूसरा तीसरा बंदा उनको 1 रियाल 2 रियाल देता है। और कुछ बंदे तो घर की सफाई वगैरह भी या बाहर को कचरा वगैरह ज्यादा हो वो भी उठाते हैं, उसके भी पैसे देते हैं। तो ये सिलसिला तो चलता रहता है। लेकिन इन दो बंगालियों के साथ क्या हाथ हुआ है, आपको यहां पर मैं वो वीडियो चलानी अभी शुरू कर चुका हूं। आप भाइयों को मैं डिटेल इसकी बताता हूं, पहले आप यहां पर इनकी ये वीडियो थोड़ी देख लें। صدقت كيف حالك؟ تعال شوية تعال حبيبي تعال كيف حالك؟ أنا أسوي فيديو ما مشكلة؟ ما مشكلة؟ أنت من وين؟ بلاد؟ بنغلاديش. أنت وين؟ تعال تعال شوية تعال تعال أنت خبر عمان زين واجد ولا زين شوية ولا برابر؟ كم سنة أنت شغل عمان؟ 5 سنة. 5 سنة ما في أي مشكلة، أي مشكلة. كل شيء زين. أنت كيف زين؟ زين. عمان كل شيء زين؟ وأنت كم سنة؟ 4 سنة. ما شاء الله زين. هذا واحد مالك أنت؟ وهذا واحد مالك أنت؟ اسمه هو كرا. एक बंदा इनको बुलाता है। आपको पता है जी रोड के ऊपर ये सफाई कर रहे थे, और एक बंदा इनको बुलाता है, अपनी गाड़ी में बैठा हुआ है। और ये भाई सोशल मीडिया की मशहूर शख्सियत थी उमान की, इसका नाम नहीं जाहिर किया गया है। उनको बुलाता है, खैरियो आफियत पूछता है, उनकी बंगाली हो, कितने साल हो गए, एक बोलता है 5 साल, दूसरे को बोलता है, वो बोलता है 4 साल। तो फिर होता क्या है, उनको बोलता है माशाल्लाह आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, सफाई सुथराई कर रहे हो, यानी कि निजाफा। दोनों को एक एक आईफोन मोबाइल देता है, ठीक है। वो दोनों बहुत खुश होते हैं और उसको भाई शुक्रिया अदा करते हैं कि हमको आईफोन मोबाइल दे दिया ये। फिर पीछे से एक गाड़ी आती है दूसरे बंदे की, वो क्या इनके साथ बोलता है और इनके साथ क्या बात करता है, ये देख लें। हबीबी هذا النفر يعطي تليفون اعطيك بعد الكود وش تسوي هذا النفر هو صار فيديو بعدين انا كلام اجيب تليفون هو بيشيل نمبر جي तो ये बंदा इनको पूछ रहा है कि आईफोन मोबाइल देता है। वो बोलता है उसने, ये बंगाली बोल रहे हैं कि उस बंदे ने हमारी वीडियो बनाई, हमारा हाल चाल पूछा, किस कंट्री के हो, क्या कर रहे हो, माशाल्लाह ठीक है, तो हमको एक एक आईफोन दिया। उसके बाद वीडियो उसने खत्म की, हमसे आईफोन वापस लिए और गाड़ी को गियर लगाया और निकल गया। तो ये बंदा बोल रहा है कि तुम्हारे साथ तो हाथ कर दिया उस बंदे ने, यानी कि चूड़ा लगा दिया तुमको, तुमको आईफोन देकर वापस ले लिए। तो भाई सोशल मीडिया के ऊपर ये कहा जा रहा है अभी इस बंदे को कि आपने अगर इनको आईफोन दिए हैं ना, तो आपने वीडियो भी बनाई है, तो अभी इनको ये आईफोन वापस करो इन दोनों बंगालियों को। अभी मुझे पूरी उम्मीद है इनको वापस मिल जाएंगे, क्योंकि ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है, हो गई है। तो भाई ऐसा भी हो जाता है कि बंदे आपको कोई चीज देते हैं, आपकी वीडियो बना लेते हैं, उसके बाद आपसे फिर वो चीज वापस भी ले लेते हैं।